एवरीवन, आई एम जानवी। वेलकम टू माय चैनल जानवी डिवाइन हीलिंग। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मजे में होंगे। आज का टॉपिक मेरा, कर्जे से मुक्त हम कैसे हों, ये रहेगा और हम इस पे डिस्कस करेंगे कि हम डेब्ट फ्री कैसे हों। इसको मैं आगे बताऊंगी स्विचवर्ड के द्वारा, स्विचवर्ड से हम कैसे कर्जे से मुक्त हो सकते हैं, कैसे डेब्ट फ्री हो सकते हैं। तो मैं इसे आगे स्टार्ट करूं तो उससे पहले मिलियंस थैंक यू नारायण सर जी, जिन्होंने हमारी लाइफ में इतने सारे मंत्र स्विचवर्ड देके हमारी लाइफ को पॉजिटिव किया है, हमारी लाइफ को चेंज किया है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं कि हम कर्जे से कैसे मुक्त हों, हम डेब्ट फ्री कैसे हों। मैंने बहुत सारे इसके वीडियो बनाए हैं, मंत्रा एंजल नंबर अगर आपने नहीं देखा होगा तो आप उसे देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसकी लिंक दे रखी है। आज मैं स्विचवर्ड बताऊंगी कि हम इस स्विचवर्ड को कैसे यूज करें और कर्जे से मुक्त हो जाएं। तो आज का जो स्विचवर्ड है वो मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, आप उसे नोट कर लीजिएगा। और वो स्विचवर्ड है इल्म मस्टर्ड पिंक टर्मलाइन फाइंड काउंट डिवाइन नाउ टर्न। ये क्या होता है अभी से हम समझ लेते हैं। इल्म का मतलब होता है कैपेसिटी बढ़ाना, मतलब कि आप कर्जे में घिरे हो तो आपको एकदम से डल सा महसूस होता है, आप एकदम से नेगेटिव थॉट लेके बैठ जाते हो, तो ये आपके अंदर एक एनर्जी भरता है, कैपेसिटी आपके अंदर डालता है। और मस्टर्ड क्या करता है, वो डार्कनेस को खत्म करने का काम करता है। जैसे कर्जे में आप आ गए हो तो आपको बार बार नेगेटिव थॉट एकदम आपको ऐसा लगता है कि ये तो मेरी जो लाइफ है बिल्कुल डार्क हो गई है, मैं कर्जे से घिर चुका हूं, मैं कैसे कर्जा चुकाऊंगा, कैसे क्या करूंगा, ऐसे बार बार आपको आपकी लाइफ डार्क लगने लग जाती है। तो ये मस्टर्ड क्या करता है, डार्कनेस को रिमूव करता है, रिलीज करता है, दूर भगाता है। और पिंक टर्मलाइन क्या करता है, हमारे रूट चक्रा को एक्टिवेट करता है। जब हमारा रूट चक्रा एक्टिवेट होता है तो हम मनी को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो ये स्विचवर्ड बहुत पावरफुल है, आप इसे कर सकते हैं। इसमें डिवाइन जो है वो तो आपको पता है मिरिकल है, मतलब मिरिकल ही करता है। डिवाइन के पास तो इतना पैसा है कि जब हम दिल से कोई चीज को हम ऐसा मैनिफेस्ट करते हैं या कोई चीज की चैंटिंग करते हैं तो वो हमारा काम होने लग जाता है। तो डिवाइन इसमें मिरिकल क्रिएट करता है। तो आप इस स्विचवर्ड को यूज करिए, लगातार इसकी चैंटिंग करिए, चाहे वाटर चार्ज करिए, चाहे कंसेंट्रिक सर्कल बनाइए, चाहे पिलो टेक्निक करिए, पॉकेट टेक्निक करिए। मैंने बहुत सारी टेक्निक कैसे यूज करते हैं हर वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो आप इसकी चैंटिंग करके भी इसका लाभ उठा सकते हैं। आपको इसे 100 टाइम से स्टार्ट कर देना है, और अगर आप इसकी ज्यादा चैंटिंग करते हैं तो बहुत जल्दी फास्ट रिजल्ट मिलेगा। वाटर चार्ज करके उस पानी को पी भी सकते हैं आप, किसी अदर के लिए भी इसे कर सकते हैं। जैसे कोई दूसरा है, आपके हस्बैंड है या आपके फादर है, या किसी के लिए भी आप कर रहे हैं कि वो कर्जे से मुक्त हो जाए, तो आप उसके लिए भी कर सकते हैं। आप वाटर चार्ज कर लीजिए, वाटर उनको डेली पिलाते जाइए, या फिर आप उनको एक पेपर पे वो लिख कर उनकी पॉकेट में रख दीजिए। पिलो टेक्निक यूज कर सकते हैं कि पेपर पे लिखा और पिलो के नीचे उसे रखना शुरू कर दीजिए। और आप कंसेंट्रिक सर्कल भी बना सकते हैं। फर्स्ट में आप उस पर्सन का नाम लिखिए जो कर्जे में घिरा हो, नंबर टू पे सर्कल में आप इस स्विचवर्ड को लिख लीजिए, और नंबर थ्री में 520 लिखना न भूलें, क्योंकि ये तो मिरिकल, फास्ट मिरिकल क्रिएट करता है, आप खुद देखेंगे। तो इस स्विचवर्ड को आप यूज कर सकते हैं। और सेकंड अब स्विचवर्ड मैं आपको बता रही हूँ जो मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, वो है मूव ऑन हाफ वे फाइंड काउंट डिवाइन हाउ डन। ये डेप्थ को कैसे फिनिश करना है, कैसे बहुत जल्दी फिनिश करना है, बहुत जल्दी हम इससे फ्री हो जाएं, तो आप इसकी चैंटिंग कर सकते हो, चैंटिंग कर सकते हो, वाटर चार्ज कर सकते हो। मैंने बहुत सारी टेक्निक पहले भी बता दी है, तो आप इसे इस तरीके से यूज कर सकते हो। थर्ड स्विचवर्ड जो मेरी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है वो हमें कब यूज करना है, जब हमारे हमें बहुत ज्यादा पैसा देना हो कर्जे में, हमें ऐसा लगता है बहुत ज्यादा पैसा हो गया है और हमें कर्जा चुकाना है, इतना सारा पैसा मैं कैसे करूंगा, कहाँ से लाऊंगा, बहुत पैसा देना हो आपको, तब आप इस स्विचवर्ड को यूज कर सकते हैं अधिक पैसा देने के लिए। तो वो स्विचवर्ड क्या है, टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन, ये इधर बीच में आप अमाउंट लिख सकते हैं, जितना आपका अमाउंट हो कर्जे का, फिल अमाउंट लिखा हुआ है तो आप इसमें अमाउंट लिख सकते हैं, नाउ डन। इस तरीके से आप इसकी चैंटिंग करिए, चाहे वाटर चार्ज करिए, किसी भी तरीके से इसे यूज करना है, तो आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में मिरेकल होना शुरू हो रहा है। आप 58 को भी इसके साथ चैंटिंग कर सकते हैं, वो रिमूव
ऑब्स्टिकल करता है, मतलब आपको पता है कि ऑब्स्टिकल हमारी जिंदगी से रिमूव होना शुरू हो जाते हैं, तो उस समय आप 58 को भी चैंट कर सकते हो और 5 to 0 आप इसमें कंसेंट्रिक सर्कल में बना सकते हो। जैसे आप फर्स्ट में आपने पर्सन का नाम लिखा, सेकंड में स्विचवर्ड को लिखा और थर्ड में 5 to 0 को लिखा और 58 को भी आप लिख सकते हो क्योंकि वो ऑब्स्टिकल रिमूव करता है। तो इस तरह से आप इन तीनों स्विचवर्ड को अपनी अपनी सिचुएशन के अनुसार यूज कर सकते हो और डेप्थ फ्री हो सकते हो और अपने कर्जे से मुक्त हो सकते हो। तो आज का वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा, शेयर तो जरूर कर दीजिएगा ताकि दूसरों की लाइफ में भी पॉजिटिविटी आए। तो आज के लिए फ्रेंड इतना ही, अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भरिए। मैं फिर न्यू टॉपिक के साथ आपके पास आऊंगी, तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर द वॉचिंग।